सर नमस्कार। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सगनलाल माली। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं हूँ तो राजस्थान से, लेकिन 20 साल से मुंबई में बिजनेस के लिए यहीं रह रहा हूँ पूरा परिवार के साथ। सर आप मुंबई से बिलोंग करते हैं, क्या क्या साधना की आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले? मैं सभी देवी देवताओं की पूजा करता था पहले, हमारे जो दादा पोता करने आते वही पूजा हम भी कर रहे थे। क्या आपने कोई गुरु भी बनाया था? हाँ, मैं 2007 में मथुरा वाले जय गुरुदेव जी को बनाया था। 6 साल तक उनकी भक्ति किया, लेकिन मेरे को कोई लाभ नहीं हुआ। किस प्रकार का लाभ चाहते थे आप? सबसे पहले मेरा घरवाली थी, उसको प्रेत आत्मा का बाधा था, प्रेत 15 प्रेत आत्मा की बाधा थी। वो कहीं भी मैं देवी देवताओं के इधर चक्कर काट काट के, मेरे को 14-15 साल हो गया शादी करने के बाद, तो भी कोई कहीं से भी वो बाहर नहीं निकल पाई। उसके बाद मेरे को किसी ने बताया कि जय गुरुदेव से नाम दीक्षा ले, वहाँ प्रेत आत्मा खत्म हो जाएगी। तो मैं वहाँ 2007 में मैं नाम दीक्षा लिया उनसे, और वहाँ भी 6 साल जाके मेरे को वहाँ से कोई लाभ नहीं हुआ और न कोई फायदा हुआ। आप लगातार बहुत सारी साधनाएं करते आ रहे थे, आप अपने पत्नी की भूत प्रेत की बाधा से पीड़ित थे, काफ़ी जगह आपने दिखाया, फिर आपको संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कैसे पता चला? हमारा एक दोस्त है जो वो हमको बताया, ज्ञान गंगा ला के मेरे को बुक दिया, और उन्होंने बोला कि अरे अपन जय गुरुदेव में गए के अपन फंस गए काल के जाल में, अब असली भगवान तो संत रामपाल जी महाराज है। और वो ज्ञान गंगा दिया मेरे को, बोलता ये पढ़। फिर मैंने वो पढ़ा, और इसमें सृष्टि रचना, मैंने सबसे पहले सृष्टि रचना पढ़ा तो मेरा कंप्यूटर भी घूम गया कि अरे बाबा अपन कहाँ फंस गए हुए, और अपन इतनी देवी देवता की पूजा कर रहे थे लेकिन कोई लाभ ही नहीं हो रहा था, और वो तो भगवान ही नहीं है, वो तो पत्थर की मूर्ति है, और उसी में हम लोग अटके हुए थे। तब मैं दूसरे महीने आश्रम का हिसार का टिकट लाया, और दूसरे महीने मैं 10 फरवरी 2017 को आश्रम में पहुँच के नाम दीक्षा ले ली। सर आपको संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में ज्ञान गंगा पुस्तक के माध्यम से पता चला, जहाँ से आपको ज्ञान के अंदर बहुत ही बड़ा अंतर नजर आया। जो पूजाएं आप पहले से परंपरागत रूप से करते आ रहे थे और जो संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको दी है, आपको इन पूजाओं में क्या अंतर लगा? बहुत कुछ भगत जी अंतर है। क्या क्या अंतर था? वो जो पहले वो साधना करना पूजा करनी पड़ती थी, और हमारे संत रामपाल जी महाराज साधना बताते कि इन्हीं देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी है, साधना करनी है, और साधना के लिए हमको मंत्र देते हैं, वो मंत्र का जाप करना है तो आपकी साधना हो जाएगी। सर आपको जो भक्ति संत रामपाल जी महाराज जी ने दी है, उससे आपको कोई लाभ भी मिला? हाँ, बहुत कुछ लाभ हुआ। सबसे पहले तो हमारी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी, वो धीरे धीरे सुधरने लगी। एक महीने में ठीक होगी, फिर दूसरे महीने में और ज़्यादा सुधर गई। बिजनेस थोड़ा कम चल रहा था, धीरे धीरे बिजनेस भी बढ़ने लगा। आर्थिक स्थिति एकदम कमज़ोर हो गई थी जय गुरुदेव से नाम दीक्षा लेने के बाद, बहुत स्थिति डाउन हो गई। और घरवाली को 15 प्रेत आत्मा था, उसी से मैं बहुत कष्ट उठा रहा था, और पूरा घर खत्म हो चुका था। तो सबसे पहले मेरा घरवाली का जो प्रेत 15 प्रेत आत्मा थी वो पूरा खत्म हो गया। उससे सबसे बड़ा तो मेरे को वही छुटकारा मिला। उसके बाद 2017 में मेरे को सर में दर्द हो रहा था, तो मैंने डॉक्टर से दिखाया, तो डॉक्टर बोला कि तुम्हारे MRI करवा लो। तो मैंने MRI करवाया तो उसके अंदर ट्यूमर बताया, तो मैं और टेंशन में आ गया, क्योंकि मेरे पास पैसा भी नहीं था, मानसिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो चुकी थी, पैसा नहीं था। डॉक्टर से पूछा कि भाई कितना पैसा लगेगा, तो उन्होंने 3 लाख रुपया 4 लाख रुपया बताया कम से कम। फिर हम घर पर आए, HR किया तो उन्होंने बोला अरे ब्रांड का ऑपरेशन तो बहुत सक्सेस नहीं होता, ऐसा है वैसा है। तो हम लोग डर गए, 17 को एकदम सर दर्द करने लगा, और मैं डायरेक्ट बेहोश हो गया। वहाँ से हमारा भाई और मेरा घरवाली मेरे को हॉस्पिटल लेके गए, BMD में 3 हॉस्पिटल डिवाइड किया। उसके बाद रात में 2 बजे थाना हॉस्पिटल कीर्ति केयर हॉस्पिटल में लेके गया, वहाँ डॉक्टर ने MRI भी किया, तो उन्होंने बोला कि अंदर ब्रांड बहुत बड़ा है और बढ़ गया है, तो उसको ऑपरेशन करना पड़ेगा किसी भी हालत में। तो मेरे पास पैसा भी नहीं था, खाली 20,000 रुपया था, और उसमें 10,000 तो MRI का ले लिया, और उसके बाद 10,000 बचा था। तो बोला अभी का अभी ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो अगर ट्यूमर फट गया तो आदमी चला जाएगा। तो फिर अब मैंने सोचा अभी क्या करूँ, पैसा तो है नहीं। फिर डॉक्टर मना करने के बाद भी मैं फिर परमात्मा को प्रार्थना लिखा के घर पे आ गया, हाँ संत रामपाल जी महाराज को प्रार्थना लिखा के घर पे आ गया। उसके बाद दूसरे दिन मैं बोला डॉक्टर को, बोला वापस जाऊँगा, वहाँ ऑपरेशन करने के लिए 4 दिन रोका, 2 लाख रुपये मेरा ऐसे ही किया, और डॉक्टर मुकर गया, बोलता है आदमी बचेगा नहीं, पैसा मत डालो, आप उसको लेके जाओ घर पे। तो घरवाली मेरे को बोली कि डॉक्टर ऐसा ऐसा बोल रहा है, तो मैं जैसे ही बेड से नीचे उतर के गुरु जी को प्रणाम करके प्रणाम किया, प्रार्थना किया कि गुरु जी क्या होएगा, बच्चे भी छोटे छोटे और अभी ऐसा ऐसा डॉक्टर बोल रहा है। तो तुरंत मेरे को बाद में 10 मिनट के बाद डॉक्टर वापस घरवाली को बुलाया, बोलता है देखो पैसा तो लगेगा लेकिन आदमी नहीं बसेगा, अगर तुम्हारे पास पैसे की समर्थ है डाल सकते हो तो तुम डालो, मैं बाहर से 2 डॉक्टर लाऊंगा, उसका 2 लाख रुपया आपको अलग से देना पड़ेगा चार्ज। तो परमात्मा ने पहले ही बोल दिया था कि संत रामपाल जी महाराज ने बोला था कि भाई जैसा डॉक्टर बोलेगा वैसा ही कर देना, तो हम उसके पीछे हटे नहीं। और फिर 17/9/2017 को 4 बजे मेरे को ऑपरेशन चालू हो गया, रात में 12:30 बजे तक ऑपरेशन चला 8.5 घंटा, और कबीर साहब मेरे हाथ पकड़ के ऑपरेशन थिएटर में लेके गए और बोले बच्चू चल मेरा तेरा ऑपरेशन करवा लेता हूँ। कबीर साहब? हाँ कबीर साहब जी, एकदम राइट हाथ पकड़ के लेके गए ऑपरेशन थिएटर में।
और बोला चल मैं तेरा ऑपरेशन कराता हूँ। तो सामने मेरे को ऑपरेशन थिएटर के मशीन पे सुलाया, तो इधर कबीर साहब खड़े थे, इधर तीन डॉक्टर खड़े थे, इधर एक लेडीज डॉक्टर खड़ी थी। और जब जैसे ही मेरे को नाम पूछा और मैंने बताया और इंजेक्शन लगाया, तो मैं बेहोश हो गया। उसके बाद आठ रात में 12 बजे तक मेरा ऑपरेशन चला। मेरा बगमती, मेरा तीसरे माले पर ऑपरेशन चल रहा था और ग्राउंड फ्लोर में मेरी घर बगमती बैठी थी अकेली, कोई साथ में नहीं था हमारा। तो वो बैठे बैठे आंसू निकाल रही थी, तो आंसू निकालते निकालते संत रामपाल जी आए, सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहन के, बेटे बेटा रो मत के, साक्षात रूप से आए और आए, बेटा रो मत, 10 मिनट का काम बचा है, हो जाएगा, मैं अंदर ही हूँ, ऐसा बोल के अदृश्य हो गए। ये 2017 की बात है। हाँ, ये 2017 की बात है। संत रामपाल जी महाराज तो जेल में थे। वो तो जेल, तो दुनिया के लिए जेल में, भक्तों के लिए परमात्मा जेल में कभी रहते ही नहीं है। फिर वो आए, जैसे ही गायब अंतरिक्ष हो गया और ऊपर से आवाज़ आया कि भाई सगनलाल जी के पेशेंट को आने, आ जाओ, ऑपरेशन हो गया है। और डॉक्टर ने कंप्यूटर और नर्स को बोल के कहता था, इसका या तो उसको लकवा मारेगा या उसको कोमे में जाएगा या फिर ये रहेगा ही नहीं, तीन बात मुख्य पॉइंट बताया था। तो मेरी घरवाली एकदम घबरा गई थी कि क्या करूँ क्या करूँ, और मेरे को आधे घंटे के अंदर होश आ गया। और डॉक्टर घर पे जाके रात में 2 बजे घर पे गया हुआ, वापस उसको कंप्यूटर ने बुलाया कि सगनलाल जी का तो होश आ गया सर। तो डॉक्टर भाग के आया कि भाई ऐसा कैसा हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो फिर आके डॉक्टर ने मेरे को सब आके वगैरह सब चेक किया, हाथ को या मेरे को इशारा किया, ये कितना, ये नाम वगैरह पूछा, तो एकदम करेक्ट हो, डॉक्टर बोला इसका तो करेक्ट होश है, ऐसा कैसा हो गया। तो डॉक्टर खुद बोले कि इसके पीछे कोई ताकत है, कोई परमात्मा की शक्ति है इसके पीछे, जो ऐसा पेशेंट मैंने 40 साल मेरा हॉस्पिटल होते हैं के बाद ऐसा पेशेंट मैंने पहली बार देखा है कि 8.5 घंटा ऑपरेशन चलता है और आधे घंटे में होश आता है। उसके बाद मेरे को वहाँ 17-18 दिन रखा, उसके बाद जो ट्यूमर निकला वो ट्यूमर मेरे को टाटा में रेफर किया, और टाटा से रिपोर्ट आया 10 दिन के अंदर, तो उसमें 3rd grade cancer बताया। तो वहाँ से मैं फिर एक 15 दिन टाटा में इलाज करने के गया, वहाँ उन्होंने बोला कि कीमोथेरेपी करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, तो मैं डर गया। फिर घर पर आके परमात्मा को, परमात्मा रात में सपने में आए, संत रामपाल जी महाराज सपने में आए और उन्होंने बोला कि बच्चू हॉस्पिटल से बाहर निकल जा, नहीं तो उधर तेरे को मार डालेगा। तो फिर दूसरे दिन मैंने संत रामपाल जी से प्रार्थना लिखाया कि क्या करूँ परमात्मा, तो बोला बच्चों कुछ मत कर, परमात्मा दया करेंगे तेरे ऊपर। और उसके बाद मैंने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया और आज दिन तक ट्रीटमेंट ले ही नहीं रहा हूँ, ये मेरे पास मौजूद रिपोर्ट है। ये कौन से हॉस्पिटल की रिपोर्ट है? ये मेरा ऑपरेशन जो कीर्तिकर हॉस्पिटल है जहाँ ऑपरेशन हुआ है, वो तो सबसे पहले ये MRI किया था उसका, ये देखो ट्यूमर की साइज है, ये देखो क्या साइज है, ये 6.8 × 5.3 × 6.3 cm। ये आपके ट्यूमर का साइज है? हाँ, ये ट्यूमर का साइज था, फुल साइज। उसके बाद आप टाटा में गए, उसकी रिपोर्ट है आपके पास? हाँ, ये उसके बाद ये टाटा में रिपोर्ट गए, तो टाटा में वही रिपोर्ट का, ये देखो 3rd grade cancer दे दिया है, 3rd grade cancer, ये देखो पूरा। फिर जब आपने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना की, तो फिर उन्होंने कौन से हॉस्पिटल में जाने को कहा और कौन सी दवाइयाँ दी आपको? नहीं, कोई बच्चों के खाली देसी दवाई ले ले बच्चों, इतना बोला प्रार्थना में कि बच्चू जो तेरे दिल में आता है वो देसी दवा ले ले, परमात्मा तेरे ऊपर दया करेगा। ऑपरेशन ब्रांड यहाँ से लेफ्ट से राइट पूरा काट दिया था, अभी देखो मेरे सर में खोपड़ी भी नहीं है, ये देखो पूरा पोकल है, पूरा लेफ्ट से राइट पूरा काट दिया था। और एक महीने के अंदर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की शरणों में होकर एक महीने के अंदर मैं वापस बिजनेस चालू कर दिया, दुकान चालू कर दी मेरी। और क्या क्या लाभ हुए आपको संत रामपाल जी महाराज जी से? सबसे बड़े तो यही, जो मेरे को एक तो मनुष्य जन्म वापिस मिल गया, नहीं तो मेरा। आपने अपनी कैंसर की बीमारी के बारे में बताया, जिसका इलाज आपने बहुत सारे हॉस्पिटल में करवाया, लाखों रुपए आपने खर्च किए, ये बिल्कुल असाधारण सी बात है। लोगों का विश्वास करना बिल्कुल ही मुश्किल हो जाता है कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद लोगों की कैंसर जैसी भयानक बीमारी ठीक हो जाती है। इसके बारे में आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आप लोगों को क्या बताना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज तो परमात्मा है, पूर्ण भगवान है, वो तो धरती पे आए हुए भगवान है, वो पूर्ण भगवान है। अगर भगवान जो भी कर सकते हैं तो कैंसर का बाप भी ठीक कर सकता है। सर, जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज परमात्मा है, लेकिन वो जेल में है, बहुत सारे आरोप उनके ऊपर लगे हैं, सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो सब मीडिया और ये ऋषि महर्षि शंकराचार्य उनका सब मिलीजुली भगत है, और उनका ज्ञान मतलब झूठा ज्ञान है जो लोगों को भरमा के रखा है, तो उनका सच्चा ज्ञान है संत रामपाल जी महाराज का, वो बाहर आने नहीं दे रहे, उसकी वजह से जेल में, हमारे भक्तों के लिए कोई जेल में नहीं है। सर, संत रामपाल जी महाराज जी हिंदुस्तान में एक इकलौते ऐसे संत हैं जो बोलते हैं कि परमात्मा आपके बड़े से बड़ा रोग, आपका बड़े से बड़ा कष्ट और आपके पापों को नाश कर देगा, लेकिन और संत ऐसा नहीं बोलते। तो सर, संतों के अंदर ये विरोधाभास क्यों है? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुकूल भक्ति बताते हैं, शास्त्रों के अनुकूल भक्ति, गीता वेद पुराण सब खोल खोल के, एक एक पॉइंट खोल खोल के दिखा रहे, इसके लिए उनकी जो भक्ति है वो एकदम सही भक्ति है। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे?
मेरे तरफ से तो मैं संदेश नहीं, मेरे संत रामपाल जी महाराज की तरफ से मैं संदेश देना चाहता हूँ कि परमात्मा धरती पे आ चुके हैं, उनकी शरणों में आके अपना कल्याण कराओ और मोक्ष प्राप्त करो। जी धन्यवाद सत साहब।